हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों आज मैं आपको बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का एजुकेशन का पेपर दिखाने जा रहा हूँ और एजुकेशन में जो है ज़्यादातर बच्चों की बैक देखी गई है, इसी वजह से मैं आपके सामने एजुकेशन का पेपर भी रख रहा हूँ जिससे कि आपको मतलब थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको इसके बता दूंगा, उसकी वीडियो आपको प्राइवेट में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके 100 नंबर का पेपर है और देखिए जो सबसे बड़ी बात है इसमें बैक आने की बच्चों की, वो इसलिए है क्योंकि देखिए इसके अंदर आपके आते हैं 7 क्वेश्चन, बाकी सब पेपर में आते हैं 10 क्वेश्चन। आपको इसमें 7 में से जो है 5 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन की छूट मिली है, वहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन की छूट मिलती है। तो जितनी कम छूट उतनी ही ज़्यादा कम संभावना होती है पास होने की, यही कारण है कि जिसकी वजह से बच्चा इसमें थोड़ा फेल हो जाता है, खिसक जाता है नीचे को। तो आप चिंता मत कीजिए, बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा जो आपके 100 नहीं तो 90% मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें आपके। ठीक है, तो उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप उससे भी पास कर सकते हैं पेपर। तो देखिए पहला क्वेश्चन आता है शिक्षा को परिभाषित कीजिए, यहाँ शिक्षा को ही परिभाषित करना है, उसके विकासशील देश में भारत में क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, ये इसमें बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। और दूसरा क्वेश्चन आता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित श्री अरविंदो का विचार क्या थे, यानी कि श्री अरविंदो के विचार हैं। और ये फर्स्ट यूनिट में सही है आपका, और ये पहला वाला जो है वो भी फर्स्ट यूनिट में सही है आपका चैप्टर। दोनों 20-20 नंबर के आते हैं। और कई बार क्या होता है कि इसमें देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है बुरी तरीके से, खासतौर पर एजुकेशन में बुरी तरीके से घुमा दिया जाता है क्वेश्चन को, पर कन्फ्यूज मत होइएगा। अब मेन एक चीज़ पढ़ लीजिएगा, मतलब कहना क्या चाह रहा है वो, तो उसके बाद कहीं भी मिलता जुलता कोई विचार आपके दिमाग में आए तो आप उसको ही उतार दीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आता है कि समझाइए कि शिक्षक के लिए शिक्षार्थी के विकास के पड़ाव का गूढ़ ज्ञान क्यों आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में बच्चा इसमें मार खाता है सबसे ज़्यादा। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें वही है कि छात्र के बीच और शिक्षक के बीच जो पड़ाव है उनको बताना है इसमें। और आपका ये थोड़ा चैप्टर में घुमा कर दे रखा है वैसे, पर है आपके किताब में ही ये। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आप कन्फ्यूज मत होइएगा, तो जो भी है आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और बाकी चौथा क्वेश्चन आता है सामाजिक बल। अब सामाजिक बल के ऊपर इसमें लिखना है और घर के अंदर या घर के बाहर किस तरीके से आता है, ये आपका सेकंड किताब में है। ठीक है, और इसमें बालक के विकास को प्रभावित कैसे करते हैं, ये बालक का विकास इसमें वैसे आ सकता है कि जो आपकी थर्ड यूनिट है उसमें से जोड़ देगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन काट काट के भी बना सकता है एग्जामिनर, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर पड़ेगी, पर बाकी चीज़ें देखें ज़्यादा ही पढ़ेंगे इसमें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कम जितनी पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा कम चांस होते हैं पास होने के, मेरी तो एडवाइस यही होगी। और बाकी पांचवा क्वेश्चन आता है, देखिए 22 नंबर आपका ये है भारत का संविधान के ऊपर, ये आपका जो है थर्ड यूनिट में आता है आपका, ये थर्ड यूनिट का फर्स्ट या सेकेंड अमेरिका फर्स्ट है शायद, तो भारत का संविधान उसमें ही है। और शिक्षा का अधिकार का क्या प्रावधान है, विद्यालय के बाहर मतलब क्या प्रभाव है इसका, ये सब चीज़ें बतानी है इसमें। ठीक है, और बाकी छठा क्वेश्चन आता है आपका जनसंचार शिक्षा, ये जो है आपका जनसंचार शिक्षा यूनिट सेकंड में आता है और ये काफ़ी बार बन भी गया है जनसंचार शिक्षा, बाकी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है मैंने, इसकी भी लिंक ऊपर आपका आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं। जो भी वीडियो बन चुकी है मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना दी है, तो उनका लिंक आपको प्राइवेट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जनसंचार का तो आसान है, इसको बना के भी कर सकते हैं वैसे हम। और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए इनमें आपको दो ही टिप्पणी करने होती है, इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं। लास्ट वाला तो हर बार चेंज होकर आता है। ठीक है, इसमें टैगोर के विचार आ गए मेरा विद्यालय पे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आ गई, संस्कृति तथा शिक्षा आती है इसके अंदर, और ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा की समस्या, यानी कि जो गाँव की महिलाएँ हैं बच्चे हैं उनकी शिक्षा की समस्या क्या क्या है उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है हम पढ़ चुके हैं वैसे तो, और इनकी वीडियो के लिंक भी ऊपर आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि आपको पेपर दिखाना था किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से नहीं आता। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा, कुछ समझ ना आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।